मित्रों नमस्कार, सीजी जॉब एजुकेशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं, सहायक शिक्षक की दूसरी सूची रैंक जारी कर दिया गया है। कितने रैंक तक आपका वेरिफिकेशन होना है वो जारी कर दिया गया है। तो मैं इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूँ कि दूसरी सूची में कितना कट ऑफ गया है, अर्थात कितने नंबर तक दूसरी सूची में नाम आ रहा है। कैटेगरी वाइज मैं इस पर बात करूँगा, साथ ही साथ मैं बात करूँगा कि क्या तीसरी सूची जारी होगी। अगर तीसरी सूची जारी होगी तो कितना नंबर तक के साथियों का तीसरी सूची में नाम आ सकता है। साथ ही साथ मैं इस पर बात करूँगा कि क्या आचार संहिता में भर्ती रुकेगी, कब तक आचार संहिता लगेगी। तो जो साथी नए होंगे हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। चलिए सबसे पहले बात करूँ दूसरी सूची की कट ऑफ की। तो साथियों, सहायक शिक्षक दूसरे चरण के दस्तावेज सत्यापन हेतु कट ऑफ जारी कर दिया गया है, जैसा कि आज के प्रेस विज्ञप्ति, आज के नोटिफिकेशन में आप देख सकते हो। बात करूँ इसके कट ऑफ की, तो अनारक्षित के जो साथी है, अनारक्षित में महिला प्लस मुक्त के लिए एक ही रैंक दिया हुआ है। तो महिला प्लस मुक्त के लिए 2249 रैंक तक बुलाया गया है। तो 2249 रैंक लास्ट कट ऑफ है, अर्थात 78.67 नंबर तक का नाम जो है आपका अनारक्षित में आया हुआ है। 78.67 नंबर गया हुआ है अनारक्षित में। बात करूं मैं अनुसूचित जाति की एससी की साथियों, तो एससी में मुक्त और महिला दोनों को मिलाकर के 5439 रैंक तक गया है, अर्थात 70.80 मतलब 70 नंबर तक के साथियों का नाम आया हुआ है आरक्षित अनुसूचित जाति कैटेगरी में। बात करूं साथियों मैं अनुसूचित जनजाति की एसटी कैटेगरी की, तो एसटी कैटेगरी में 49,570 रैंक तक के साथियों का नाम आया है। और जो 49,570 वाले साथी का जो नंबर है 44.31 नंबर है। ऐसे ही ओबीसी की बात करूं तो ओबीसी में आपका 2656 तक का नाम आया है और इनका नंबर आता है 77.36। मोटी मोटा मैं बात करूं साथियों यहां पर कट ऑफ की, तो अनारक्षित में 78 नंबर तक गया है, अनुसूचित जाति अर्थात एससी में 70 नंबर तक गया है, एसटी कैटेगरी के उम्मीदवार अर्थात अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार के लिए 44 नंबर गया है और अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार के लिए 77 नंबर कट ऑफ गया है। तो आप अंदाजा लगा सकते हो, जैसे ओबीसी की जो कट ऑफ है 77 नंबर आया हुआ है, तो आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हो साथियों कि ओबीसी में अगर तीसरी लिस्ट जारी की जाती है विभाग द्वारा, तो 75 से नीचे गिरना मुश्किल है। जी हाँ साथियों, 75 नंबर तक यदि जिसका ओबीसी में नाम है वही खुद को सेफ जोन में माने तीसरी सूची में, ठीक है, ओबीसी के लिए मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पर बात करूँ मैं अनुसूचित जनजाति की एसटी कैटेगरी की, तो एसटी कैटेगरी में साथियों आपका 35 से 40 नंबर तक जिन साथियों का नाम आ रहा है, ठीक है, 35 से 40 नंबर तक जिन साथियों का नंबर आया हुआ है वो एसटी कैटेगरी में, अनुसूचित जनजाति कैटेगरी में खुद को सेफ जोन में मान सकते हो तीसरी सूची में। बात करूं यहां पर अनुसूचित जाति की तीसरी सूची में, तो अनुसूचित जाति की जब मैं बात करता हूँ साथियों, तो आपका लगभग आप मान के चलिए 65 से 68 नंबर तक के जो साथी है वे खुद को सेफ जोन में मान सकते हो तृतीय सूची में सहायक शिक्षक की, ठीक है। 65 से 68 नंबर तक के जो रैंक है, अर्थात 68 से 70 के बीच ही जाएगा, ठीक है। उसके बाद में बात करूं मैं अनारक्षित की, तो अनारक्षित में साथियों खुद को यदि आप 76 नंबर से 78 के बीच में हैं तभी आप खुद को तृतीय सूची हेतु सेफ जोन में मान सकते हैं। और इसके नीचे यदि मैं कहूँ कि तृतीय सूची में, तो मुश्किल लग रहा है। जैसा कि आप सभी जान रहे हो साथियों, प्रथम सूची में जो पात्र कैंडिडेट है लगभग 50% पात्र हुए मान के चलिए,
2,500 अगर मान के चलिए पास होते हैं, 3,000 पात्र होते हैं, शेष बचे 2,000 के लिए द्वितीय सूची आई, वैसे ही शेष बचे 1,000 पद के लिए तृतीय सूची जारी होंगी। ठीक जैसे ही तृतीय सूची होने होगा कंप्लीट, फिर मान के चलो आप 500 साथियों के लिए चतुर्थ सूची जारी होगी। इस तरह से 4-5 सूची तक जारी होने की संभावना है, अगर सही तरीके से बिना करप्शन के, बिना भ्रष्टाचार के यदि सही तरीके से भर्ती प्रक्रिया चलती है साथियों, तो आपका 4-5-6-7 लिस्ट तक जाने की भी संभावना नज़र आती है। हालांकि परिस्थितियां कैसी बनती है, कितने पात्र कितने अपात्र होते हैं, डिपेंड उस पर करता है साथियों। साथ ही मैं बात करूं यहां पर आचार संहिता के संदर्भ में कि आचार संहिता कब लगेगी, तो जैसा कि बातें निकल कर आ रही है उसके हिसाब से अक्टूबर में साथियों आपका 10 से 15 के बीच में आचार संहिता लग सकती है। 10 तारीख तक 15 तारीख तक आपके आचार संहिता लग सकती है। और मैं आपको बता दूं सहायक शिक्षक में जो दूसरी सूची वाले साथी हैं उनकी पदस्थापना हो जाएगी आराम से, बाकी तीसरी सूची की वेरिफिकेशन पदस्थापना में व्यवधान उत्पन्न हो सकता है। जी हाँ, क्योंकि जब आचार संहिता लगती है तो सभी अधिकारी एवं कर्मचारी चुनाव कार्य में संलग्न हो जाते हैं, और जब चुनाव कार्य में संलग्न होते हैं साथियों तो ऐसी स्थिति में कार्य में व्यवधान उत्पन्न होता ही है, क्योंकि सभी की ड्यूटी चुनाव कार्य में है तो अन्य जो कार्य है वो उतना इम्पोर्टेंस नहीं हो जाता। फिलहाल ये जो चीज़ें हैं मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी साथियों तक साझा कर रहा हूँ। तृतीय सूची की भी आप सभी के माध्यम से प्रश्न हमारे पास आ रहे थे और उन्हीं प्रश्नों को लेकर मैंने वीडियो बनाने का भी प्रयास किया है। देखिए इसमें 10,000 रैंक तक के साथियों को आप वेरिफिकेशन, देखिए काउंसलिंग में 10,000 रैंक तक का काउंसलिंग, ऑनलाइन काउंसलिंग में फॉर्म भरे हैं भाई, लेकिन सबका नाम इसलिए नहीं आ पाता क्योंकि 1:1 में आपका डीवी हो रहा है, दस्तावेज सत्यापन हो रहा है। और जब फॉर्म भराया गया ऑनलाइन काउंसलिंग का 1:5 से भी ज़्यादा कैंडिडेट आ गए होंगे, तो आप स्वयं मान के चलिए कि कितने भाई, यहाँ पर कैटेगरी की बात होती है ना। आपको लगता है 5,000 पद है और मेरा तो 10,000 रैंक है, तो 5×10 1:2 में ही है, तो मेरा नाम कैसे नहीं आ रहा है? ऐसा नहीं है, कैटेगरी में आप बांट के चलिए साथियों, कैटेगरी के हिसाब से आप अपना अनुमान निकाल के चलिए, ठीक है। कैटेगरी के हिसाब से यदि आप निकालोगे तब चीज़ें समझ में आती है और तब आप स्वयं अच्छे से एनालिसिस भी कर पाओगे। तो साथियों जैसे ही सेकंड सूची की दस्तावेज सत्यापन हो जाएगी उसके बाद उसकी भी ज्वाइनिंग प्रक्रिया हो जाएगी, क्योंकि जैसे ही दस्तावेज सत्यापन होगी साथियों उसके तुरंत बाद में तृतीय सूची भी जारी कर दी जाएगी विभाग द्वारा। हमारे साथ जुड़े रहेंगे, सीजीजे जॉब एजुकेशन से जुड़े रहेंगे ताकि किसी भी प्रकार की यदि अपडेट प्राप्त होती है तो आप सभी साथियों तक साझा जरूर करेंगे। एक और विशेष बात मैं बता दूँ, जो 20 तारीख 3 दिन का जो डेट है वो मेरे ख्याल से काउंसलिंग की डेट नहीं है बल्कि दस्तावेज सत्यापन की डेट है। और जब आपके पास मैसेज आना शुरू होगा ना साथियों तब चीज़ें स्पष्ट तौर पर क्लियर हो जाएंगी, तो इसके लिए आप थोड़े इंतज़ार ज़रूर करें, जैसी भी है वो चीज़ें आपको पता चलेगी। चलिए इस वीडियो में इतना ही, हमारे साथ जुड़े रहें, सिटी जॉब एजुकेशन के साथ जुड़े रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।